यस बेटा, सिक्स्थ क्लास। आज हम करेंगे अपना पेज नंबर 8 पर। शुगर में हम आए हुए थे। पहले का हमने पढ़ लिया था कि हमारे कौन कौन से स्पाइसेस हैं और कौन कौन से स्पाइसेस के हमने हिंदी और इंग्लिश में दोनों में नाम कर लिए थे। अब हम करेंगे शुगर। शुगर मीन्स चीनी। सभी बच्चों ने चीनी दे रखी है, तो अब हमें चीनी कहाँ कहाँ से मिलती है, अब हमें ये देखना है। शुगर इज ऑब्टेंड, शुगर प्राप्त की जाती है फ्रॉम शुगर केन, गन्ने से। सब बच्चों ने गन्ना देखा होगा, गन्ने से। एंड बीट रूट प्लांट्स, और बीट रूट प्लांट्स से, चुकंदर के पौधों से हमें कहाँ से मिलती है शुगर। शुगर इज ऑब्टेंड फ्रॉम शुगर केन एंड बीट रूट प्लांट्स। तो ये आपका फिलअप में भी आ सकता है या क्वेश्चन भी बन सकता है। फ्रॉम विच प्लांट, फ्रॉम वेयर वी गेट शुगर, तो हम लिखेंगे शुगर इज ऑब्टेंड फ्रॉम शुगर केन एंड बीट रूट प्लांट। आगे आता है टी एंड कॉफी। सभी बच्चों ने चाय और कॉफी पढ़ा होगा, सुना होगा, देखा होगा और पी भी होगी। टी एंड कॉफी आर स्टिमुलेंट्स। चाय और कॉफी है वे एकदम से असर करने वाले दो चीजें हैं। बिकॉज दे कंटेन ए सब्सटेंस, क्योंकि, बिकॉज क्योंकि दे कंटेंस, उनमें होता है ए सब्सटेंस, एक ऐसा सब्सटेंस कॉल्ड कैफिन, जिसको हम क्या कहते हैं, कैफिन कहते हैं। चाय और कॉफ़ी में एक ऐसा पदार्थ होता है जो कैफिन, कैफिन नाम का एक ऐसा पदार्थ होता है जो एकदम से हमारे अंदर स्फूर्ति लाता है, क्या लाता है, स्टिमुलेटेड, एकदम से असर दिखाता है। टी इज ऑब्टेंड बाई ड्राइंग टी लीव्स, टी इज ऑब्टेंड। अब आप आगे आता है कि हमें चाय मिलती कहाँ से है, कहाँ से हमें चाय प्राप्त होती है। तो ची ये मत कह देना कि रसोई से, तो कहाँ से मिलती है, देखिए, जैसे टी इज ऑब्टेंड बाय ड्राइंग टी लीव्स। चाय हमें चाय के सूखे पत्तों से प्राप्त होती है। चाय के छोटे छोटे पौधे होते हैं, और जब उनकी जो लीव्स होती हैं, जब उनको सूखा लिया जाता है, उनसे हमें चाय मिलती है। कॉफी एंड कोका पाउडर आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम ड्राइड सीड्स ऑफ कॉफी। कॉफी और कोहा पाउडर है वो हमें कहाँ से मिलता है, आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम ड्राइड सीड्स ऑफ कॉफी, के बीजों को सूखा करके हमें क्या मिलती है, कॉफी और कोहे का पाउडर मिलता है। एंड कोहा प्लांट्स रिस्पेक्टिवली, और कोहे का भी क्या होता है, कोको का क्या होता है, एक प्लांट से होता है। तो अब हमें समझ आ जाना चाहिए कि हमें चाय कहाँ से मिलती है। तो चाय हमें चाय के जो पेड़ होते हैं, उनकी जो पत्तियाँ होती हैं, उनको सुखा करके मिलती है। कॉफ़ी और कोको जो होता है वो हमें कॉफ़ी के बीजों को सुखा करके मिलता है। सम प्लांट्स हैव टू और मोर एडिबल पार्ट्स, कुछ पौधे ऐसे होते हैं बेटा, सम प्लांट्स, कुछ प्लांट्स हैव टू और मोर एडिबल पार्ट्स, जिनके दो या उससे भी ज़्यादा हिस्से खाए जाते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसका केवल फ्रूट खाया जाता है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके केवल पत्ते खाए जाते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनके दो या उससे भी अधिक हिस्सों को खाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए मस्टर्ड लीव्स आर यूज एज ग्रीन वेजिटेबल्स। मस्टर्ड लीव्स, जो सरसों है ना, वो आर यूज एज ग्रीन वेजिटेबल, वो हरी सब्जी के रूप में भी खाई जाती है। सर्दियों में देखिए, हम सरसों का साग बनाते हैं, तो वो किस रूप में खाई जाती है, ग्रीन वेजिटेबल। एंड मस्टर्ड सीड्स गिव्स अस ऑयल, और जब जो सरसों का बीज होता है वो गिव अस ऑयल, उससे हमें ऑयल प्राप्त होता है। तो दो या उससे ज़्यादा जिस चीज़ के पार्ट खाए जाते हैं, तो वो कौन सा है, मस्टर्ड लीव्स। तो इसका भी आप क्वेश्चन बना करके आंसर लिख सकते हैं। अब आगे आता है बेटा, ये देखिए आपके लेफ्ट हैंड साइड में टी प्लांट्स एंड टी लीव्स, कॉफ़ी प्लांट एंड सीड्स, दोनों का दिया हुआ है। ये टी है और ये कॉफ़ी है। एनिमल प्रोडक्ट एज सोर्सेज ऑफ ह्यूमन फूड। अब आगे आता है पशुओं से प्राप्त होने वाले जो ऐसे सोर्सेज हैं ऑफ ह्यूमन फूड, जो मनुष्य जिनको भोजन के रूप में प्राप्त होता है। तो पशुओं से, ये किससे थे, पीछे हमने जितना भी किया है ये सारा किससे था, पौधों से। अब हमें पशुओं से कौन कौन से ऐसे फूड मिलते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं। एनिमल प्रोडक्ट सच एज मीट, एनिमल प्रोडक्ट में कौन से आते हैं, मीट है, एग है, फिश है, मिल्क, चीज, कर्ड एट्सेट्रा आर इटन एज फूड। देखिए, एनिमल से हमें मीट मिलता है, एग मिलता है, फिश मिलता है, मिल्क मिलता है, चीज़ मिलता है, कर्ड, ये सब चीज़ें हमें भोजन के रूप में हम खाते हैं।
दीज फूड्स आर रिच इन प्रोटीन, ये फूड होते हैं ये प्रोटीन से भरपूर मात्रा में, इन चीज़ों में प्रोटीन होता है। अगर डॉक्टर कई बार ये कहता है कि प्रोटीन वाली चीज़ें खाओ, तो हम ये कहते हैं कि मिल्क प्रोडक्ट होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अब आप क्वेश्चन इसका ये भी बना सकते हैं कि रिच प्रोटीन प्रोडक्ट्स, राइट, रिच प्रोटीन प्रोडक्ट्स आप उसमें लिख सकते हैं, मीट, एग, फिश, मिल्क, चीज एट्सेट्रा। अब आ गया था मीट। अब हमें मीट मांस कहाँ से मिलता है? वी गेट मीट फ्रॉम गॉट, हमें गॉट से, गॉट किसको बोलते हैं, बकरी से, शिप किससे बोलते हैं, भेड़ से, एंड पोल्ट्री लाइक चिकन, और पोल्ट्री फार्म जैसे मुर्गी से, मतलब जो जो बच्चे होते हैं चूजे होते हैं, हैन मुर्गी से, डक बत्तख से, टर्की से, एंड गीज से, इन सब को हम किस क्या खाते हैं, इन सब का जो लोग मीट खाते हैं वो किस किस चीज़ का मीट खाते हैं, गॉट, सेप, पोल्ट्री लाइक चिकन, हैन, डक, टर्की और गीज का। अब आगे आता है बेटा एग्स। तो ये ऊपर क्या था, मिल्क प्रोडक्ट, एनिमल जो प्रोडक्ट हमें देते हैं, फिर मीट देते हैं, फिर एग्स भी हमें किससे मिलते हैं, एनिमल से। हैंस एग्स आर यूज्ड एट फूड्स द वर्ल्ड ओवर, हैंस एग्स मुर्गी का अंडा, ये देखिए बनाए भी हुए हैं मीट एंड एग्स आपके बनाए हुए, ऊपर मीट बना हुआ है और नीचे एग्स बनाए हुए हैं। हैंस एग्स आर यूज्ड एट फूड द वर्ल्ड ओवर, पूरे संसार में भोजन के रूप में मुर्गी के अंडे का प्रयोग किया जाता है। दे आर इटन एज बॉयल्ड, उनको हम उबाल करके खा सकते हैं, दे आर इटन वे खाए जाते हैं बॉयल्ड, उबाल करके, फ्राइड करके, और पाउच उनको भून करके, और एज ऑमलेट, और ऑमलेट के रूप में। तो अंडों को कैसे कैसे खाया जाता है, बॉयल्ड, फ्राइड, पॉज्ड और एज ए ऑमलेट। दे आर ऑल्सो यूज इन प्रिपेयरिंग केक एंड पेस्ट्रीज, अब अंडे का दे आर यूज, उनका यूज किया जाता है या प्रयोग किया जाता है इन प्रिपेयरिंग केक एंड पेस्ट्री, जो केक और पेस्ट्री बनते हैं उसमें भी अंडे का प्रयोग किया जाता है। एग्स आर ए रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड विटामिन्स, एग्स में भरपूर मात्रा में प्रोटीन और विटामिन पाया जाता है। अब आपका क्वेश्चन ये बन सकता है कि प्रोटीन और विटामिन के रिच सोर्सेज क्या क्या हैं, विच आर रिच सोर्सेज ऑफ प्रोटीन एंड विटामिन, उसमें आप आंसर लिखेंगे एग्स आर ए रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड विटामिन। इन एडिशन टू हैंस एग्स द एग्स ऑफ डक एंड गीज आर आल्सो ईटन, इन एडिशन ऑफ हैंस मुर्गी के अंडों के साथ साथ द एग्स ऑफ डक, डक के एग्स और गीज के एग्स भी खाए जाते हैं। फिशेज एंड सी फूड, अब आगे आता है मछलियाँ और सी फूड, समुद्री खाना, समुद्री भोजन जिसको कहते हैं। फिशेज आर ऑब्टेंड फ्रॉम फ्रेश वाटर एज वेल एज फ्रॉम द सी, फिशेज आर ऑब्टेंड, फिशेज कहाँ से मिलती हैं हमें, फ्रेश वाटर में, ताज़ा पानी में, एज वेल एज फ्रॉम द सी, और जैसे ही हमें समुद्रों में भी हमें फिशेज कहाँ पर मिलती हैं, या तो हमारे जैसे हम जोड़ वगैरह अपने देखते हैं वहाँ मिलती हैं, तो फ्रेश वाटर में एज वेल एज फ्रॉम द सी, जैसे समुद्रों में भी। ऑयस्टर्स, क्रैब्स, लॉबस्टर्स, प्रॉन्स एंड सम एल्गी आर पॉपुलर सी फूड, ये सी फूड के नाम है, ऑयस्टर है, क्रैब, केकड़े, लॉबस्टर, ये सारे क्या हैं, समुद्री फूड है हमारे, सी फूड है। फिशेज एंड सी फूड्स आर रिच सोर्सेज ऑफ आयोडीन एंड प्रोटीन, फिशेज में और सी फूड में, फिशेज एंड सी फूड आर रिच सोर्स ऑफ आयोडीन एंड प्रोटीन। अब आपका क्वेश्चन आ जाता है कि विच आर रिच सोर्सेज ऑफ आयोडीन एंड प्रोटीन, तो आप लिखेंगे फिशेज एंड सी फूड्स आर रिच सोर्सेज ऑफ आयोडीन एंड प्रोटीन, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। आगे आता है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, दूध और दूध से बनने वाले प्रोडक्ट। वी गेट मिल्क फ्रॉम काउज, बेफलोज, गॉट एंड शीप, हमें दूध किस किस से प्राप्त होता है, गाय से, भैंस से, बकरी से, भेड़ से, गाय, भैंस और भेड़ बकरियों से हमें दूध प्राप्त होता है। मेनली काउ एंड बेफलोज आर रियर्ड फॉर मिल्क, मुख्य रूप से गाय और भैंसे ही दूध के लिए फेमस हैं, या मुख्य रूप से किस से मिलता है हमें, आप गांव में भी देखते हैं या हर जगह देखते हैं कि जो दूध होता है वो या तो गाय का होता है या भैंस का होता है। मिल्क प्रोडक्ट, मिल्क प्रोवाइड्स अस विद प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड कैल्शियम, मिल्क प्रोवाइड अस, मिल्क
हमें प्रोटीन देता है, फैट देता है, विटामिन देता है और कैल्शियम देता है। अभी आ जाता है कि दूध से हमें क्या क्या मिलता है, तो आप लिख सकते हैं कि मिल्क प्रोवाइड अस प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड कैल्शियम। इट इज यूज फॉर मेकिंग कॉटेज चीज। कॉटेज चीज किसको बोलते हैं? पनीर को। इट इज यूज फॉर मेकिंग कॉटेज चीज, पनीर बनाने के लिए, बटर बनाने के लिए, घी बनाने के लिए, कर्ड, दही बनाने के लिए, खोया बनाने के लिए एंड स्वीट्स और मिठाइयाँ बनाने के लिए। तो दूध का हम कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं? हमें पनीर बनाना हो तो दूध चाहिए, बटर बनाना है, मक्खन बनाना है, घी बनाना है, दही बनानी है, खोया बनाना है या मिठाइयाँ बनानी है। अब आगे आता है बेटा हनी। हनी इज प्रोड्यूस्ड बाई हनी बीज फ्रॉम द नेक्टर कलेक्टेड फ्रॉम फ्लावर्स। हनी इज प्रोड्यूस्ड, हनी प्राप्त किया जाता है। हनी इज प्रोड्यूस्ड, हनी को बनाया जाता है भाई हनी बीज मधुमक्खियों के द्वारा। फ्रॉम द नेक्टर कलेक्टेड फ्रॉम फ्लावर्स, फूलों से जो मतलब अपना इकट्ठा करते हैं, जो नेक्टर माने होते हैं फूलों के ऊपर जो परागकण होते हैं, उनसे वो क्या बनाते हैं? मधुमक्खियाँ शहद बनाती हैं। इट इज स्टोर्ड इन द बीहाइव। इसको कहाँ पर स्टोर किया जाता है? बीहाइव, मधुमक्खियों के छत्ते में। हनी कंटेन्स शुगर। हनी में क्या क्या होता है? शुगर होता है, मिनरल्स होते हैं एंड सम एंजाइम्स, और कुछ एंजाइम भी होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? ऐसी कुछ चीज़ें जो हमारी बॉडी के लिए अच्छी होती हैं, जो कुछ ऐसे बीमारियां होती हैं जिनसे, जो इससे शहद से हमारी ठीक होती हैं। इट इज़ ईजी टू डाइजेस्ट। यह है मतलब डाइजेस्ट करने में ईजी होता है। क्या? हनी। इट हैज़ एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी एंड मेडिकलिनल वैल्यूज़। इसकी क्या है? एंटी बैक्टीरियल मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता इनकी होती है, और ये दवाइयों के रूप में भी इसकी बहुत ही वैल्यू होती है। देयरफॉर इट इज़ यूज टू मेक सेवरल आयुर्वेदिक मेडिसिन। इसलिए यह आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। व्हाट डू एनिमल्स ईट? चलो यहाँ से कल पढ़ाएंगे। यहाँ तक बेटा सभी बच्चे इसको पढ़ेंगे बढ़िया तरीके से, एक दो बार सुनेंगे और आ जाएगा। गुड बेटा।